मंडल आयुक्त ने ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन और सीवर लाइन की देखी समस्या। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की मंडल आयुक्त संयुक्ता समुद्र ने मंगलवार की जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से दवा और स्टाफ के व्यवहार और मरीजों के खाने के बारे में जानकारी ली। ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन देखकर उन्होंने 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के निर्देश जिला अस्पताल में सीवर लाइन के पानी को देखकर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और नगर निगम के साथ उचित बैठक कर समस्या का हल करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। महिला अस्पताल की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि 500 ऑपरेशन प्रति माह के हो रहे हैं, एक गर्व की बात है और लोगों का जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने महिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाओं को देखकर मरीजों से जानकारी ली और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने निरीक्षण में डॉक्टरों की कमी को महसूस करते हुए शासन स्तर से इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए उच्च स्तरीय बैठक किए जाने का भी दिशा निर्देश दिया। सबसे ज्यादा डेलीवरी कहाँ होती है बरेली में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या बरेली में? आज नवमी के दिन मैंने सोचा सबसे पहले आप ही लोगों से पता चला था अस्पताल के बारे में, तो आज मैंने जिला चिकित्सालय जो मेन है और जिला महिला चिकित्सालय दोनों का आज मैंने निरीक्षण किया। साथ में मेरे साथ एडी हेल्थ एंड सीएमएस साहब, सीएमएस महिला डॉक्टर अलका शर्मा सभी मौजूद थे। तो जनरली जो मैंने पाया यहाँ पे कि महिला अस्पताल तो इज़ एक्सेप्शनली डूइंग वेरी वेल। 500 ऑपरेशंस अगर महीने में हो रहे हैं, दिन में अगर ऑन एन एवरेज 5 सिजेरियन ऑपरेशंस हो रहे हैं, ओटी देखा मैंने, सभी पेशेंट से भी मैंने बातचीत की, तो यहाँ तो ओपीडी भी अच्छा चल रहा है। तो महिला चिकित्सालय में तो मात्र खाली जो कमी है वो कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए तो वो पूरे प्रदेश में जैसे एक क्राइसिस है उस पर अलग से कोशिश करेंगे शासन से। जो जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय में लार्जली ओपीडी में बहुत प्रेशर देखा हमने, यू नो लंबी लाइन्स हैं, विच मीन्स दैट यहाँ पे बरेली में अभी भी जो रिलायंस है, लोगों का जो फेथ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए ओपीडी में प्रेशर है। बाकी जो सर्जरी वाला जो सेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रनिंग प्रिटी वेल। जो चिंता की बात है वो एक तो जो पता चला कि जो एक बड़ा आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है, हाँ जी, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किस तरह से फुल कैपेसिटी यूज़ हो, आई थिंक दैट वही एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है, उसको कैसे यहाँ से प्रेशर कम करके, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे वो ओपीडी का हो, चाहे वो बेड्स का हो, यहाँ से किस तरह से हम प्रेशर कम करें और अधिक से अधिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बताया गया है, मुझे एडी साहब ने बताया इट इज़ वेरी मॉडर्न, हैज़ ऑल द राइट इक्विपमेंट्स, तो उस पर एक थोड़ा हमें अलग से सीएमओ एडी साहब एंड सीएमएस इनके साथ बैठ के एक पूरे दिन की चर्चा करने के बाद एक वो निकल के देखना पड़ेगा और उसकी भी साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये शिफ्टिंग क्यों फंसा हुआ है। दैट्स लार्जली वन थिंग। और बाकी क्लीनलीनेस की अगर बात कहें तो जनरली इट्स वेरी क्लीन। एक जगह रोड थोड़ी धसी हुई है और सीवर का प्रॉब्लम सीएमएस साहब ने बताया है, तो वो नगर निगम के साथ टाई अप करके, ये कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हैं, इस पे ज़रूर टाई अप करके देखते हैं कि क्या उचित समाधान उसका निकलता है। ये अगर शिकायत इस तरह की मिल रही हैं तो फिर इस पर तो ऑब्वियसली अगर शिकायत तो हमें भी आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की कहाँ से कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो देखेंगे, बट अभी तो इस तरह का जो यहाँ पे है ये तो कोई नहीं बताता ऑब्वियसली, कि यहाँ तो सारे पेशेंट्स जो ओपीडी में हैं, जो बेड में हैं, इनके द्वारा तो इस तरह का कुछ नहीं बताया गया। मेडिसिन्स भी सभी बता रहे हैं कि इंटरनली उपलब्ध होता है, खाना भी यहीं उपलब्ध होता है, बट आई थिंक ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये धीरे धीरे डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक पता चलेगा तो इस पर उचित कार्रवाई जरूर होगी। महिला अस्पताल में जो है आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि ऑपरेशन के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, कई बार पैसे वापस भी यहाँ कराए गए हैं, क्या उस पर किस तरह का लगाम लगाएंगे?
नहीं, ये तो एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस है इस तरह का, तो ना कभी ये तो सुनने में ही बहुत ही अटपटा लगता है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, बट आज मुझे इस तरह का कुछ नहीं दिखा और सारे पेशेंट्स मुझे लगे, बट ये है कि वो आकस्मिक तो निरीक्षण हम करते ही रहेंगे, और ये क्योंकि है भी बरेली में स्थित और सुविधाएँ भी यहाँ पर, डॉक्टर्स भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, एफिशेंट हैं, तो इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी लेवल। हॉस्पिटल है इसमें आपने बात की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैं एक्चुअल में दवाओं की उपलब्धता, क्योंकि अभी ये ओपीडी क्योंकि मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पे ओपीडी अभी 102 जब सीएम डिप्टी सीएम जी के आदेश के बाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैम सिर्फ 3 डॉक्टर्स हैं। बात ये हुई थी कि वहाँ पे प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा के तैनात किए जाएंगे और जल्द से जल्द, लेकिन मैम अभी 3 महीने 2.5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस तरीके का कोई भी मतलब आदेश जो है? आई विल डेफिनेटली, यही चीज मैं एडी साहब से कह रही थी कि ये हमें थोड़ा डिटेल में, ये मुझे अभी पता चला यहाँ आके, तो इसको डिटेल में रिव्यू करके फिर शासन से टेकअप करना होगा, जो शासन के मामले होंगे और जो यहाँ के इंटरनल मामले होंगे वो यहीं पे सुलझाने पड़ेंगे। गंभीर दवाओं का वहाँ पे, गंभीर दवाएं जो मरीज पहुँच रहे हैं वो गंभीर भी होते हैं, तो उनके लिए वहाँ दवाओं की उपलब्धता भी नहीं है। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस सर, इसका तो उचित समाधान निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बरेली में स्थित अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो उसका पूरा किया जाएगा।